नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़, मैं हूं अंकिता सिंह। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद लगातार बीएड के कैंडिडेट की स्थिति ऐसी है कि उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने को दिया गया, लेकिन लगातार जो है एक तरह से उन्हें इस परीक्षा से यानी कि शिक्षक भर्ती बहाली से उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया। हालाँकि कल 9 अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से SLP वापस लिया गया, तो वहीं बीएड के कैंडिडेट के लिए सुनवाई 13 अक्टूबर को बताया गया। लेकिन इन सब के बीच जो है कई ऐसे छात्र नेता थे या फिर कई ऐसे शिक्षक नेता थे जिन्होंने बीएड के कैंडिडेट का साथ दिया, तो वहीं DLED के कैंडिडेट में काफ़ी गुस्से और नाराज़गी थी क्योंकि हक उनका 1-5 के लिए बनता था। ऐसे में छात्र नेता सौरभ एक बार फिर से DLED के अभ्यर्थियों के लिए खड़े हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और एक बहुत बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि बिहार में जो बीएड की वाले अभ्यर्थी थे यानी प्राथमिक शिक्षक बनने की जो योग्यता थी बीएड वालों के लिए, उसका रास्ता क्या बंद हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान जो SLP दायर किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। और एक अन्य मामले में यानी अलग बेंच में जो सुनवाई चल रही है 13 अक्टूबर को, उस मामले में देखने को कहा गया है। तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार सरकार जिस प्रकार से बात कर रही है, SLP उन्होंने दायर किया था, तो मुझे लगता है कि अब बीएड वालों के लिए रास्ता लगभग बंसा हो गया है। और जिस प्रकार एक और नोटिस आया है कि अगले ही सप्ताह से जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जो जांच है वो शुरू हो जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि रिजल्ट जो है वो पब्लिश करने की तैयारी चल रही है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि बीएड वालों के लिए बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है। और रही बात डीएलएड वालों की, तो लगातार हम आपसे सवाल उठाते रहे कि क्या राज्य सरकार 3,70,000 जो बीएड धारी है उनके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता लगभग बनता हो गया था, परंतु याचिका के उन्होंने फाइल किया दायर और तब मिलाकर यह कहा गया कि आने वाले समय में जो चीजें होंगी और जो चीज आने वाले है उससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार कहीं नहीं कहीं इस मामले को फंसाना चाहती थी। परंतु जो इस तरह की चीजें जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन के मामले में राजस्थान के कन मामले में जो आया है फैसला कि बीएड यानी प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता जो है वो बीएड ही है, डीएलएड नहीं है, तो स्पष्ट है डीएलएड ही है, बीएड नहीं है। इसे स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार की जो नाकामी है, अगर आपके मन में इस तरह का सवाल था कि नहीं अगर हम जो अभ्यर्थी है उनके तरफ से SLP दायर करते तो इस तरह की चीजों को लेकर निश्चित रूप से आगे की जो चीजें हैं बिल्कुल आसान नहीं होगी। और उम्मीद हम करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है उसका सम्मान सभी को करना है और आगे आकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है और डबल बेंच की जो सुनवाई चल रही है उसके प्रतीक्षा हम सभी को करनी चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे की चीजों को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और रिजल्ट निकालने के लिए डीएलएड वाले जो है उनका रिजल्ट निकाल देना चाहिए और जो भी सुनवाई चल रही है उसका प्रतीक्षा करना चाहिए। धन्यवाद।